हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। केएस का एग्ज़ाम आज हुआ है। काफ़ी अच्छे स्टैंडर्ड का पेपर था, काफ़ी सारे बच्चों का अच्छा पेपर हुआ जो सीरियस कैंडिडेट्स थे। लास्ट ईयर जिनका काफ़ी फैक्चुअल पेपर आने की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था, इस बार दे हैव स्कोर्ड वेल। पर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अच्छा खासा पढ़कर भी गए थे, बट काफ़ी अनएक्सपेक्टेड पेपर था इस बारी। बट ऐसा है कि जिन्होंने काफ़ी सीरियस स्टडी की है, काफ़ी डेप्थ में चीज़ों को पढ़ा है, वो ये पेपर अच्छे से कर बैठते। और हम वही पेपर आज दिखाएंगे आपको कि कहाँ कहाँ से सवाल आए हैं, ताकि आपको भी अगले के इस एग्जामिनेशन में फ़ायदा हो सके कि भाई हमें पता तो चले कि 2022 में कौन कौन से टॉपिक्स को टच किया गया है। तो दिस इज़ अ वीडियो फॉर दैट ओनली। ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है आने वाले के इस एग्जामिनेशन के लिए। नाउ सी, व्हेन यू टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, which identify the correct match of the Indian parliamentary closure motions and their definitions. Closure motions पे सवाल है, polity का basic सा question है, but यहाँ पर these are the closure motions. Simple closure क्या है, closure by compartment क्या होता है, kangaroo closure किसको कहते हैं, guillotine closure किसको कहते हैं, या guillotine motion जो budget के time भी issue की जाती है। तो इसमें इस बारी यूपी जेकेपीएससी ने पहली बार ये ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली थ्री आर करेक्ट, ओनली फोर आर करेक्ट, ये तरीका पहली बार जेकेपीएससी ने अपनाया है और यही तरीका पहली बार यूपीएससी ने 2022 में भी अपनाया था। तो आप देख सकते हैं जेकेपीएससी ने क्विकली कैसे यूपीएससी के पैटर्न को अडॉप्ट किया है। नंबर टू, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यू नो सीजेआई जो आपके हैं उनके रिलेटेड है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रिलेटेड उनकी उनके बारे में स्टेटमेंट्स है। तो दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, अगेन पॉलिटी के जुडिशरी वाले टॉपिक से सवाल है और इसमें तीन स्टेटमेंट्स है, सिंपल से इसमें ऑप्शंस दिए हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी किसने दिया था। अब इंक्रीमेंटल मॉडल ऑफ पॉलिसी, दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, चार्ल्स लिंडब्लॉम। उसके बाद एक और क्वेश्चन है अगेन फ्रॉम पॉलिटी, पॉलिटी का सवाल है, अनलाइक द राज्यसभा चेयरमैन, स्पीकर ऑफ लोकसभा कैनॉट सस्पेंड अ मेंबर विदाउट अडॉप्टिंग अ मोशन फॉर सस्पेंशन। तो चेयरमैन, राज्यसभा के चेयरमैन के पावर्स पे सवाल है और स्पीकर ऑफ लोकसभा के पावर्स पे, तो आपको पता चल गया ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस साल पूछा गया है। उसके बाद है आपका पाँचवा क्वेश्चन अगेन फ्रॉम पॉलिटी, कौन सी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं की गई है पर उसको एज अ कन्वेंशन फॉलो किया जाता है। तो ये आपको काफ़ी जनरलाइज्ड क्वेश्चन है, इसमें जैसे आपका एक्सपीरियंस होता है पॉलिटी पढ़ने का, ओनली देन यू कैन आंसर सच क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें थोड़ा मिसिंग है, लिस्ट दिया गया था लेफ्ट एंड राइट साइड, राइट हैंड साइड से, वो हम यहाँ पर फिर से देखेंगे। ये है वो लिस्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स का। तो लिस्ट वन है ये आपका और लिस्ट टू है नीचे, आपको बताना है, आपको इसको ज्वाइन करना है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन, क्वाजी जुडिशियल फंक्शन एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपको ऐड करना है, इसको मिलाना है आपको इन चार ऑप्शंस के साथ। फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन, फाइन। तो छह क्वेश्चंस हो गए फिलहाल पॉलिटी से। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन पे सवाल है, तो ये भी आपका चैप्टर है, प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन कैसे होता है और उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है कौन नहीं करता है, ये आपको सीधा बुक से मिल जाएगा। उसमें फिर से इन्होंने ऑप्शंस में ये ओनली वन स्टेटमेंट, ओनली टू स्टेटमेंट, ओनली थ्री स्टेटमेंट, ओनली फोर स्टेटमेंट, ऑल द फोर स्टेटमेंट, ये फिर से उन्होंने ये तरीका अपनाया है इस क्वेश्चन में। उसके बाद है ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी पे और उसमें क्या मॉनेटरी कंपनसेशन देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। आपको पता है सरोगेसी का कमर्शियल हब था दुनिया में इंडिया और उसको फिर बैन किया गया था, फिर उन्होंने कहा कि ऑल्ट्रुइस्टिक सरोगेसी अलाउ की जा सकती है इन सम केसेस एंड ऑल, और इसके लिए दिस इज अ क्वेश्चन, ये फिर से पॉलिटी का सवाल है। देन लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फिर से सवाल है कि क्या उस पर लिखा हुआ है कि लोकेशन ऑफ द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर होनी चाहिए, और ये सवाल है सुप्रीम कोर्ट पे, फिर से जुडिशरी का सवाल। फाइन, क्या सीजीआई अपॉइंट कैन, सीजीआई कैन अपॉइंट अदर प्लेसेस एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। सो दिस इज ऑन द सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर टेन, फिर से पॉलिटी का सवाल,
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड अटॉर्नी जनरल पे सवाल है, और इनकी ओथ और एफर्मेशन किसके सामने होती है? तो सीजेआई का किसके सामने, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा का, स्पीकर और अटॉर्नी जनरल का किसके सामने होता है? फिर से उन्होंने ओनली वन, ओनली टू, ओनली थ्री, ओनली फोर वाले स्टेटमेंट इस्तेमाल किए हैं। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 11, द वर्ड कैबिनेट वॉज नॉट पार्ट ऑफ ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, मिनिस्टर्स बट डज नॉट इंक्लूड डिप्टी मिनिस्टर्स वगैरह। ये फिर से सवाल है पॉलिटी का। तो शुरू के आपके 11 के 11 सवाल पॉलिसी से, फिर से सेपरेशन ऑफ पावर पे सवाल है। ये सवाल यूपीएससी ने लास्ट 2021 के एग्जाम में पूछा था, तो दिस हैज अगेन बीन रिपीटेड फ्रॉम देयर ओनली। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, सनसेट क्लॉज किसको कहा जाता है? दिस इज अगेन फ्रॉम पॉलिटी लेजिस्लेशन से। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 14, फिर से पॉलिटी से, मैच द फॉलोइंग शेड्यूल्स एंड सब्जेक्ट्स, शेड्यूल वन, शेड्यूल थ्री, शेड्यूल फोर, शेड्यूल फाइव, शेड्यूल एट, और इसमें आपको दिखा गया है कि आपको किस शेड्यूल में क्या क्या मैंशन है। फिर से ओनली वन पेयर, ओनली टू पेयर, ये पूरा पैटर्न यूपीएससी का है इस बार जेकेपीएससी में। उसके बाद शुरू के 14 सवाल में इन्होंने पॉलिटी को यहाँ पर पहली बार वाइंड अप कर दिया है। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में दे हैव आस्क्ड इट फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। अब इंडियन इकोनॉमी में द फर्स्ट क्वेश्चन इज डीमोनेटाइजेशन क्या होगा, फिर CRR पे क्वेश्चन है, कैश रिजर्व रेशियो, और क्या कैश रिजर्व रेशियो पर से फर्क पड़ता है मनी मल्टीप्लायर पे, तो दिस इज अगेन ए क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है। और फिर हेयर कट किसको कहते हैं, तो हेयर कट आमतौर पर हम बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में कहते हैं जब आप किसी लोन को कट करते हैं या उसका इंटरेस्ट कम करते हैं, तो दैट इज नोन एज हेयर कट, राइट डाउन या राइट ऑफ होता है। तो डीमोनेटाइजेशन, कैश रिजर्व रेशियो, मनी मल्टीप्लायर, हेयर कट, ये डीमोनेटाइजेशन हम मनी में पढ़ते हैं, CRR हम मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ते हैं, हेयर कट हम बैंकिंग में पढ़ते हैं। तो ये सारा मनी एंड बैंकिंग से आपका टॉपिक है, मनी एंड बैंकिंग, तो एक टॉपिक, एक सवाल वहाँ से आ गया। फिर है आपका 81 बॉन्ड्स, अगेन अ टॉपिक फ्रॉम बैंकिंग, फिर से सवाल पूछा गया है। 81 बॉन्ड्स बैंक्स इशू करते हैं ताकि वो अपना बेसल 3 नॉर्म्स को पूरा कर सके, CRAR को पूरा कर सके, तो 81 बॉन्ड्स परपेचुअल होते हैं। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 17, ब्रॉड मनी किसको कहते हैं, अगेन अ टॉपिक फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग। तीनों सवाल शुरू के मनी एंड बैंकिंग से ही है। ब्रॉड मनी किसको कहते हैं, M1, M2, M3, M4 क्या होता है? देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 18, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम पढ़ते हैं जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जब हमें पता चलता है कि ज़्यादा फोकस ग्रोथ पे करना चाहिए या डेवलपमेंट पे, जो अमर्त्य सेन का कॉन्सेप्ट है और ग्रोथ का जगदीश भगवती का। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी इंडियन इकोनॉमी का एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है ये। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट। तो आपको क्या पता चला, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग से। उसके बाद उन्होंने एक जनरल इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी से एक जनरल क्वेश्चन पूछा है ट्रिकल डाउन थ्योरी पे, और यानी वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एक सवाल अभी तक। उसके बाद फाइनेंशियल मार्केट जिसमें बेयर एंड बुल्स की बात होती है, बेयर एंड बुल्स का उन्होंने वहाँ से एक सवाल पूछा है फाइनेंशियल मार्केट से। फिर से उन्होंने बैंकिंग वाले चैप्टर से फिर से सवाल पूछा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पे, जो RBI लगाता है किसी बैंक्स पे, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन अगेन इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मनी एंड बैंकिंग, खासकर बैंकिंग वाले चैप्टर है। उसके बाद है सॉवरेन बॉन्ड्स, अ कॉन्सेप्ट फ्रॉम बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक्सटर्नल सेक्टर का हिस्सा है, एक सवाल यहाँ से भी डाल दिया है। उसके बाद है आपका NPCI, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग में RBI का जो हम देखते हैं रूल कैसे कि वो फाइनेंशियल सेक्टर को रेगुलेट करता है, उसके अलावा RBI के अलावा देर इज NPCI विच इज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने काफ़ी सारे एप्लीकेशन बनाए हैं इंडिया में, UPI भी इन्हीं का है, आपका NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच जिससे ATMs काम करते हैं, और चेक ट्रंकेशन सिस्टम जिससे चेक सिस्टम काम करता है जब आप बैंक जाते हैं, तो वो NPCI का पूरा सिस्टम है। तो ये उन्होंने फिर से मनी एंड बैंकिंग से सवाल डाला है। उसके बाद एक सवाल डाला है बजट फिस्कल पॉलिसी से, फिस्कल डेफिसिट और फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट से, FRBM Act। FRBM एक्ट में काफ़ी सिंपल सी स्टेटमेंट डाली थी और फिस्कल डेफिसिट में भी काफ़ी सिंपल स्टेटमेंट थी। तो फिस्कल डेफिसिट एंड FRBM एक्ट, मैंने इस पर ऑलरेडी एक और वीडियो अपलोड कर लिया है कि ये कहाँ कहाँ से ये सवाल पूछे गए हैं, ये हमने ऑलरेडी लेक्चर्स में डिस्कस किए हुए हैं। फिर से एक सवाल है GDP से, नॉमिनल GDP और रियल GDP पर, इट वॉज अगेन अ जनरलाइज क्वेश्चन। तो आपको पता चल रहा है इकोनॉमिक्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दे हैव आस्क्ड इज मनी एंड बैंकिंग, एक सवाल फाइनेंशियल मार्केट से, एक सवाल बजट फिस्कल पॉलिसी से, एक सवाल GDP से और एक सवाल ग्रोथ से, बट मनी एंड बैंकिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद उनने पूछा है ऑयल डिग्रेडेशन पे, ये इज अ क्वेश्चन फ्रॉम EVS कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरियम
इज कॉल्ड द सुपर बग दैट इज यूज फॉर ऑयल डिग्रेडेशन. कौन सा बैक्टीरियम ऑयल डिग्रेडेशन में काम आता है वगैरह वगैरह वगैरह. देन यू हैव वन लेबल्ड एज असर्शन एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन. और क्वेश्चन किस पर है, स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्ज सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, दे लूज बॉडी हीट व्हेन इट्स कोल्ड आउटसाइड. इज ईवीएस का ये 101 क्वेश्चन है, शुरू में ही पढ़ाया जाता है. देन देर इज दिस क्वेश्चन, इक्वेशन डाली गई है, आमतौर पर ऐसे सवाल नहीं आते हैं. ऑन द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसी होगी, लॉजिस्टिक ग्रोथ किसको कहते हैं, हाइपरबोले या रेक्टेंगुलर ग्रोथ किसको कहते हैं. विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये एनवायरनमेंट का ही सवाल है, जैसे कि पहले वाला, इससे पहले वाला भी था. बेंथिक क्या होता है, बेंथोस क्या होता है, बेंथोस बेंथिक पे फिर से सवाल पूछा गया है. उसके बाद देर इज अनदर क्वेश्चन ऑन सोलर रेडिएशन, इसको आप ईवीएस और ज्योग्राफी में कंबाइन कर सकते हैं प्रिसाइसली. अगर इसमें ग्रीन हाउस गैसेस भी प्रेजेंस उसका भी एलिमेंट है तो आप इसको ईवीएस में डाल सकते हैं. उसके बाद देर इज अ क्वेश्चन ऑन परमाफ्रॉस्ट ग्लेशिएशन, डिफ्रॉस्टिंग एंड डी ग्लेशिएशन. ये प्रोसेसेस आर नोन एज, कौन से प्रोसेसेस, आर्डेंट, सेयरिंग, वार्मिंग एंड क्रायोजेनिक प्रोसेसेस. अगेन अ क्वेश्चन ऑन ईवीएस. देन यू हैव क्वेश्चन ऑन ईवीएस फिर से. अ कोलिशन ऑफ 50 प्लस कंपनीज वर्ल्ड वाइड सीकिंग टू सेंड अ पावरफुल मार्केट सिग्नल कमर्शलाइज जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी. जीरो कार्बन टेक्नोलॉजी के लिए 50 प्लस कंपनीज कौन सी है. उसके बाद लाइकन, फिर से ये सवाल यूपीएससी के टाइप का सवाल है. लाइकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ वगैरह वगैरह वगैरह. ये आपकी कुछ रिलेशनशिप्स होती है जो हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, अमेंसलिज्म, पैरासिटिज्म. देन यू हैव पॉलिनेशन ऑफ बटरफ्लाइज इज कॉल्ड, इसमें पॉलिनेशन का ये फिर से ईवीएस का सवाल है. उसके बाद बैक्टीरिया विच हेल्प इन द डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस. जैसे कि आपको पता है नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा है, बट वी नीड नाइट्रोजन इन आवर बॉडीज. और हमें नाइट्रोजन कैसे मिलता है, थ्रू द प्लांट्स. और प्लांट्स को कहाँ से मिलता है, थ्रू द सॉइल. और सॉइल को कहाँ से मिलता है, थ्रू अ बैक्टीरिया जिसको हम यू नो नाइट्रोबैक्टर भी कहते हैं. देन यू हैव 35 पे अगेन ईवीएस का सवाल है. यहाँ से डिजीजेज, यहाँ से माइक्रोब्स, तो आप ईवीएस में डालो या इसमें प्रिसाइसली हेल्थ में डाल सकते हैं इसको. तो साइंस एंड टेक का जो हेल्थ वाला टॉपिक है, तो आपका जो है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है, मंकी बॉक्स किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, और म्यूकोमाइकोसिस किससे होता है वगैरह वगैरह. तो दिस इज हेल्थ का टॉपिक. फिर से हेल्थ का टॉपिक पूछा है उन्होंने वैक्सीन का. मॉडर्ना आरएनए वैक्सीन है, स्पुटनिक कौन सा वैक्सीन है, कोवैक्सीन कौन सा वैक्सीन है, और ज़ाइकोवडी कौन सा वैक्सीन है. वैक्सीन जैसे आपको पता है आईपीवी वैक्सीन होता है, फिर ओपीवी वैक्सीन होता है, जैसे पोलियो वाले वैक्सीन है. तो इसमें हम आईपीवी क्या होता है, आईपीवी इज अ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन. ओपीवी इज अ ऑरल पोलियो वैक्सीन, यानी लाइव अटेनुएटेड होता है, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन. तो पुराने ज़माने में हम करते थे इनएक्टिवेटेड एंड लाइव अटेनुएटेड. आज तो डीएनए वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन बनाया जाता है, एमआरएनए वैक्सीन वगैरह वगैरह. उसके बाद दिस इज अ क्वेश्चन, फिर से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन है. आईसीटी से इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमने पढ़ाया था क्लास में. ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एग्जैक्ट कॉपी किया है यूपीएससी से, उन्होंने कुछ साल पहले ऐसा ही सवाल डाला था. उसके बाद उन्होंने एक और सवाल डाला है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर पे, कौन से प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर के लिए. ओजोन रिमूव्स ऑल क्लोरीन एंड इनएक्टिवेट्स वायरसेस वेरी क्विकली. क्लोरीन किल्स पैथोजेनिक बैक्टीरिया बट इट डज नॉट अफेक्ट स्पोर्स एंड हेपेटाइटिस एंड जॉन्डिस वायरसेस. ये है क्वेश्चन ऑन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर, यू कैन कवर दैट इन ईवीएस. देन यू हैव अनदर टॉपिक फ्रॉम ईवीएस. प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स इज नोन एज कैटेनेशन. इसको आप प्योर साइंस में भी डाल सकते हैं, एंड ये कार्बन वाला मामला हम ईवीएस में भी पढ़ते हैं. तो साइंस का सवाल है फिनोमेना ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फिनोमेना, मॉलिक्यूलर फार्मूला बट अ डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला इज नोन एज आइसोमेरिज्म. बेसिक 101 साइंस. उसके बाद नंबर 40 पे हम आते हैं. खारिफ क्रॉप्स आर ससेप्टेबल टू पेस्ट्स अगेंस्ट रबी क्रॉप्स. ह्यूमिड एंड वार्म क्लाइमेट सपोर्ट्स द इंटेंस ग्रोथ क्रॉप्स देन ह्यूमिड कूल क्लाइमेट. ये क्रॉप वगैरह हम कहाँ पढ़ते हैं, दिस इज अ कॉन्सेप्ट इन एग्रीकल्चर और जो आपका ज्योग्राफी का हिस्सा है क्रॉप वाला पोर्शन. देन वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रिसाइसली अ क्वेश्चन फ्रॉम स्पेस टेक्नोलॉजी. साइकी किसका मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का, नासा का, जापानीज एरोस्पेस एजेंसी का, या इसरो का. आदित्य L1 तो नाम ही बोल रहा है, ये इसरो का होना चाहिए. फिर क्रूज किसका है, स्लिम किसका है, साइकी किसका है वगैरह.
उसके बाद आपको बताना है मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बेसिक एप्लीकेशन वाले सवाल है। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इसमें मशीन लर्निंग डीप लर्निंग पढ़ाया ही जाता है एंड वी हैव कवर दैट इन द क्लास। उसके बाद 5G टेक्नोलॉजी और Wi-Fi 6 काफ़ी पॉपुलर टेक्नोलॉजीज़ है अभी, तो 5G पे उन्होंने सवाल डाला है कि क्या 5G टेक्नोलॉजी है, स्पीड वगैरह क्या होगी। फिर नॉन फंजिबल टोकन, अगेन अ क्वेश्चन कॉपीड फ्रॉम UPSC, तो नॉन फंजिबल टोकन इस बार UPSC में आया था तो उन्होंने वो रिपीट किया यहाँ पर। देन यू हैव अनदर टॉपिक क्वेश्चन नंबर 45 में, मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिविजुअल रेन ड्रॉप्स हिट द अर्थ सर्फेस विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटीज, व्हेन एन ऑब्जेक्ट फॉल्स थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इट अटेन्स अ कॉन्स्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। ये असर्शन रीजन वाले यू नो क्वेश्चन होते हैं, आपको एक स्टेटमेंट दी जाती है, आपको बताना है क्या ये रीजन इसका सही रीजन है या नहीं रीजन है। तो पहले आपको बताना है कि क्या असर्शन ठीक है या नहीं, फिर आपको बोलना है रीजन ठीक है या नहीं, फिर अगर ये दोनों ठीक है फिर आपको बोलना है क्या ये रीज़न इस असर्शन का सही रीज़न है। ये ऐसा ही सवाल बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 46 पे सवाल है, व्हाई डज एन एप्पल टर्न ऑरेंज व्हेन केप्ट इन एयर एटमॉस्फेयर। साइंस का बिल्कुल एप्लीकेशन वाला सवाल है, एप्पल ऑरेंज क्यों हो जाता है, ऑरेंज कलर का क्यों हो जाता है जब उसको हम हवा में रखते हैं। तो इसके ये 3, 4, 5 कुछ ऑप्शन। देन यू हैव GSAT, दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम स्पेस टेक्नोलॉजी। क्या GSAT हमने फ्रेंच रॉकेट Ariane 5 से लॉन्च किया, क्यों लॉन्च किया, बिकॉज काफ़ी भारी था। क्यों भारी, अब भारी हम खुद नहीं लगा सकते बिकॉज हम मैक्सिमम 4 टन तक ही भेज सकते हैं थ्रू GSLV Mark, वो हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट रॉकेट है। देन वी हैव अनदर, भाई विच ऑफ द फॉलोइंग क्वान्टिटी रिमेन्स कॉन्स्टेंट, कौन सी क्वान्टिटी इनमें से कॉन्स्टेंट रहती है जब एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूमती है, तो आपको बताना है। साइंस का सवाल है, टेक्नोलॉजी में पढ़ाया जाता है। ब्रेथ टेस्ट, जो ट्रैफिक पुलिस जो शराब पीते हैं उनको नो उनको कराती है, तो उनमें से वो कौन सा इस्तेमाल करते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेटिक सल्फ्यूरिक एसिड, टर्मरिक ऑन फिल्टर पेपर एंड सिलिका जेल एंड पोटेशियम। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 50, इज यूज फॉर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज फॉर एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्शन। उसके बाद है आपका कॉमिक बुक इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर डिपिक्टेड द स्टोरीज ऑफ अनसंग वुमेन हीरोज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सी ऐसी यू नो वुमेन है जो इन स्टेट से है, ये आपको बताना है। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 52, दिस इज योर डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स जो होते हैं, टू बिग टू फेल, आपको बताना है इनमें RBI क्या इसको नॉमिनेट करता है, LIC GIC न्यू इंडिया इंश्योरेंस जिनको अश्योरेंस जिनको रिसेंटली डिजिग्नेट किया गया था SDSII। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, आपको बताना है। इट इज इन आपको बताना फ्लैमिंगो, पेंटेड स्टॉक, स्पॉट हिल पेलिकन एंड एशियन ओपन बिल, इनके बारे में ये 3 स्टेटमेंट्स दी गई है, आपको बोलना है कि ये 3 स्टेटमेंट्स किस के बारे में दी गई। फाइन, तो दिस इज अगेन अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन जो इनमें साल डाला है। उसके बाद ऑयल शेल क्या है और शेल ऑयल क्या है, टाइट ऑयल क्या है वगैरह वगैरह, उस पर फॉर्मल सा सवाल है। देन यू हैव E रूपी, CI का है ये फिर से। एंड देन यू हैव अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2020, ये काफ़ी न्यूज़ में था, बेसिक जिन्होंने करंट पढ़ा है वो इसको। फिर उन्होंने एक और सवाल डाला है, ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन एम पे सवाल है, इन इट वाज इन न्यूज़ रिसेंटली। उसके बाद है सेमिकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस, तो आपको पता चल रहा है करंट अफेयर 2022 का भी उन्होंने पूछा हुआ है। देन यू हैव रॉड टेप स्कीम किस लिए है, देन यू हैव सर्ट इन कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसके बारे में इसके फंक्शंस क्या है। देन यू हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम इकोनॉमिक्स, वेज एंड मीन्स एडवांसेस, जिसमें स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट RBI कर्जा देती है 3 महीने के लिए। अकॉर्डिंग टू 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्पेशल सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन की बात है। तो दिस इज अगेन क्वेश्चन फ्रॉम पॉलिटी, तो टोटल पॉलिटी के 15 सवाल हो गए। उसके बाद यू हैव रुआव 200, a coaxial rotor helicopter drone is used as a mule drone for high altitude logistics operations by the Indian Army.
शॉर्ट में ये ड्रोन पे सवाल है, और ड्रोन आपका पता ही है इट्स एन इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम डिफेंस टेक्नोलॉजी, और डिफेंस टेक्नोलॉजी में हम ड्रोन रेगुलेशंस पढ़ते हैं, ड्रोन के डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। मैं आईटी मुंबई, आईटी दिल्ली, कानपुर, गुवाहाटी के पास मामले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। देन यू हैव विद रेफरेंस टू स्वामित्व स्कीम, अगेन इट वॉज इन न्यूज, तो ये करंट का टॉपिक है। देन यू हैव ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स ONDC के बारे में, यू हैव थ्री स्टेटमेंट यू हैव टू टेल से कौन। देन यू हैव किशोर मुथ केस जजमेंट ऑफ 1954 वाज रिसेंटली इन न्यूज रिलेटेड, किस रिलेटेड ये न्यूज में था, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, सेपरेशन ऑफ पावर वगैरह वगैरह। देन यू हैव अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ द अंडमान एंड निकोबार कमांड, और ये सिनकैन इज अ 3-स्टार रैंक ऑफिसर, ये फिर से डिफेंस का सवाल है और ये काफ़ी अनकन्वेंशनल क्वेश्चन था। देन यू हैव इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क अप्रूव्ड बाई द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट वगैरह वगैरह वगैरह, जियोलॉजिकल पार्क के बारे में क्वेश्चन। देन यू हैव हिस्ट्री देखते हैं, असर्शन है अशोका, अशोका पे सवाल है, अशोका टाइम में रिगोसा वॉज रिप्लेस्ड विद धम्म घोषा, फिर आफ्टर अशोका एक्सीड टू द थ्रोन अशोका फॉर अ मेजर कलिंगा वॉर, अशोका वाला सवाल आ गया आपको। देन यू हैव मैच द फॉलोइंग, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, देवदत्त आपका शलभोगा और है आपका विलन वगाई, और ये सब क्या है, इट वॉज लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, लैंड गिफ्टेड टू नॉन ब्राह्मण्स, लैंड गिफ्टेड टू जैना इंस्टीट्यूशंस, लैंड गिफ्टेड टू, उसके बाद है आपका दिल्ली सल्तनत पे। इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत देयर वाज ओनली वन सुल्तान हु वॉलंटरली एब्डिकेटेड हिज थ्रोन एंड मूव टू अ स्मॉल टाउन, जिन्होंने अपना थ्रोन छोड़कर स्मॉल टाउन दिल्ली में चले गए, और वो कौन था, बहलूल लोदी फ्रॉम लोदी डायनेस्टी, आलम शाह फ्रॉम सैयद डायनेस्टी, नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह फ्रॉम तुगलक एंड नसीर महमूद टू ऑफ ममलूक डायनेस्टी। उसके बाद है आपका कुशान पे, तो फाउंडर ऑफ कुशान डायनेस्टी कौन था, Kushans were a branch of Yuki tribe and they issued gold coins a lot of the whole world, जिस पर लिखा हुआ था। उसके बाद है 73 question, which of the following statements regards judicial organization at the time of British, तो ये आपका है judicial organization पे सवाल, Cornwallis पे and William Bentinck पे, तो you need to cover the governor general and viceroys, आपको अच्छे से cover करना है। फिर है फिर से Lord Warren Hastings पे कि इनमें से कौन सा इवेंट उसके टाइम हुआ था, ट्रीटी ऑफ सलबाई, आयरकूट डिफीटेड बाय हैदर अली एट पोर्टोनोवो एंड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना। उसके बाद है संगम लिटरेचर पे सवाल है, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, नैरेटिव एंड डायडैक्टिक, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, तो नैरेटिव टेक्स्ट एंड डायडैक्टिक टेक्स्ट में यू हैव दीज क्वेश्चन संगम लिटरेचर में। देन यू हैव विद रेफरेंस टू गुप्ता लैंड एडमिनिस्ट्रेशन मारू पंकिला डिनोट, ये क्या है, ये मारू और पंकिला लैंड क्लासिफिकेशन, लैंड मेजरमेंट यूनिट्स है, टैक्सेस है या लैंड टेन्योर सिस्टम है। फिर मुगल की पेंटिंग्स पे सवाल है, कल्चर का क्वेश्चन है, दसवंत और बसवान वर टू ऑफ द फेमस पेंटर्स ऑफ द अकबर कोर्ट, और ड्यूरिंग शाहजहांस रीन मुगल पेंटिंग्स रीन देयर, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 78, अर्ली मिडिवल सेंट बसवन्ना बिलोंग्ड टू किस ट्रेडिशन का ये सेंट। फिर है क्वेश्चन नंबर 79, आइडिया ऑफ स्वदेशी एंड बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री, इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्वदेशी और बॉयकॉट जो यू नो हुआ है फॉरेन गुड्स का इंडिया में, फिर उनके रिलेटेड सवाल है। इंटरनेशनल कांग्रेस ने स्वदेशी का कॉल दिया था बनारस के सेशन में, और इसमें प्रिजाइड किसने, सईद हैदर रजा, एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है। देन यू हैव अनदर एक्ट जो हिस्ट्री का है, लेक्स लोकी एक्ट 1850 किस लिए था, के बारे में कुछ प्रोविजंस। उसके बाद है यहाँ से लिस्ट और यहाँ से रिकॉर्ड लिस्ट, एंशियंट साइट लोथल कालीबंग धोलावीरा एंड मोहनजोदारो, और यहाँ से आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग, प्लॉफ्ट फील्ड कहाँ पे मिला, डॉक यार्ड कहाँ पे मिला, डांसिंग गर्ल कहाँ पे मिली, और इंस्क्रिप्शन कंप्राइजिंग 10 लार्ज साइज साइंस ऑफ द हरप्पन स्क्रिप्ट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 82, अर्थशास्त्र कौटिल्या is a major source of study of the Mauryan Empire. Lasansa statement है, information given in Indica by Megasthenes. तो ये भी आपको पता चलनी चाहिए, जो फॉरनर से आए थे और जो हमारे खुद के यहाँ पे राइटर्स थे, उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी और किसके रिलेटेड लिखी, ठीक है। इसके बाद है आपका
What sets the three texts? What set of three texts did Shyam Karacharya called Prasthanatrayi? वो कौन से तीन टेक्स्ट है जिसको श्याम कराचार्य ने ये नाम दिया था? तो वेदाज उपनिषद, भगवद्गीता, महाभारत, ब्रह्मणाज उपनिषद, उपनिषद भगवद्गीता एंड ब्रह्मसूत्र, वेदाज रामायण उपनिषद। उसके बाद है आपका चार्टर ऑफ एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये आपको हिस्ट्री में भी कवर होगा और पॉलिटी में भी, लक्ष्मीकांत में पहले ही कवर होता है ये, उसमें ये क्या क्या उसके प्रोविजन। देन यू हैव अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन ऑफ 85। मैच द फॉलोइंग डिसकंटिन्यूटी सेक्शन ऑफ द अर्थ। ये डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ भाई, जैसे क्रेस्ट, मेंटल और कोर में आपको पता होना चाहिए, मेंटल और अपर मेंटल, लोअर मेंटल के बीच जो डिफरेंस है उसको डिसकंटिन्यूटी, ऐसे ही डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ पर किस किस, तो ये कुछ डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर ऐसे दिया हुआ है डायग्राम। उसके बाद है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, रिवर्स फॉल्ट किसको कहते हैं, नॉर्मल फॉल्ट किसको कहते हैं, स्ट्रिक्ट स्लिप फॉल्ट किसको, अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम ओल्ड ज्योग्राफी। देन यू हैव 87, पीरियड ऑफ 1550 टू 1800 हैज बीन कॉल्ड एज लिटिल आइस एज, ग्लेशियर्स ऑफ द माउंटेन ऑफ यूरोप रीच देयर मोस्ट एडवांस्ड पॉक, ये क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन है। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 88, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मार्जिनल सी marked as 1, 2, 3, 4, ये 1, 2, 3, 4 जो लिखा गया है एटलस से आपका ये सवाल है, आपको बताना है कौन से कहाँ सी है, फिर इसको मैच करना है। आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ क्लाइमेट्स मार्क्ड इन हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल कॉन्टिनेंट, ये यहाँ पर कुछ नॉर्थ की लैटिट्यूड दिए हैं। देन यू हैव टू से सवाना क्लाइमेट, स्टेपी क्लाइमेट, मेडिटेरियन क्लाइमेट, ब्रिटिश क्लाइमेट कहाँ पर मिलता है, यही जी आपको 2 के 8 चैप्टर में कवर हो जाएगा। Then you have question number 890, identify the climatic regions of India by Köppen. So, उन्होंने जो climatic regions दिए हैं वो उसके हिसाब से A कौन था, B कौन था, C कौन था, D कौन था। Then you have vertically to arrange photic layers of the ocean. तो आपका बताना है आपको हेलोपेलाजिक ओशन में क्या होता है, मेजोपेलाजिक क्या होता है, बेथिपेलाजिक क्या होता है, एपिपेलाजिक क्या होता है, ओशनोग्राफी से सवाल है, ज्योग्राफी। देन यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर फिनोमेना इज आर हैज हैव द काम लो प्रेशर द सेंटर एंड सिलेंड्रिकल क्लाउड विद हेवी अराउंड इट, हरिकेन, साइक्लोन, टाइफून, आपका क्लास 11। देन यू हैव 93, टेक्सचर ऑफ सॉइल पे सवाल है, लोम इज अ सॉइल, कलर ऑफ द सॉइल, फाइन। उसके बाद है आपका 94, assertion, पी स्नॉट इज अ स्लिमी लेयर, न्यूट्रिएंट ओवरलोड ऑकर्स व्हेन एल्गे फीस्ट ऑन वार्म वेदर कॉज्ड बाय ग्लोबल वार्मिंग, तो पी स्नॉट वगैरह पे और एल्गे फीस्ट वार्म वेदर के टाइम, ग्लोबल वार्मिंग के टाइम ज़्यादा उनका न्यूट्रिएंट ओवरलोड होता है। उसके बाद है क्वेश्चन आपका ऑन IPCC लेटेस्ट रिपोर्ट, उसके बारे में कौन सी चीज़ें गलत है, तो लेटेस्ट रिपोर्ट जिसने पढ़ी होगी बेसिक विजन से उनकी समरी पढ़ी होगी तो उनको पता चलेगा उसमें से कौन सी चीज़ें गलत बताई गई है। देन यू हैव फिर से ये रिपीट हो रहा है। देन यू हैव 96 जिसमें आपको मैच करना है, यहाँ से आपका जो है लिस्ट 1 एंड देन लिस्ट 2 आपको बोलना है ये किस स्टेट में है, अरुणाचल, म्यांमार, लद्दाख, लासा, उत्तराखंड, तिब्बत और लद्दाख विद। देन यू हैव अरेंज द मेन पीक्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन, तो आपको बोलना है हायर एलिवेशन और लोअर एलिवेशन में आपको इन पीक्स जो वेस्टर्न घाट्स के अंदर है उनको आपको जो है अरेंज करना है। 98 पे इफ द टाइम इन ग्रीनविच मेरिडियन, ये टाइम का सवाल है वर्ल्ड ज्योग्राफी से, व्हाट वुड बी द टाइम एट 30 डिग्री, अगर 12 AM ग्रीनविच पे 12 AM है तो आपको बताना है 30 डिग्री वेस्ट पे कितना मेरिडियन का था, कितना टाइम होगा। देन यू हैव करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग सीज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट आपको बोलना है करेक्ट सीक्वेंस क्या है, कैस्पियन, एरल सी एंड ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन वगैरह, चार सीज को टच किया गया है। देन यू हैव अरेंज द फॉलोइंग ऑफिशियल्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, चीफ इलेक्शन कमीशन, कमिश्नर होल्डर्स ऑफ भारत रत्न डेकोरेशन, अटॉर्नी जनरल एंड चीफ स्टाफ होल्डिंग द। दिस कंप्लीट्स योर 100 क्वेश्चंस ऑफ AKS 2022। और आपको पता चला पॉलिटी इज वन ऑफ दोज टॉपिक्स जहाँ से मैक्सिमम सवाल है अलॉन्ग विद हिस्ट्री,
इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी. दीज आर योर टॉपिक्स इनको टच किया गया है इस बारी. और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ज्योग्राफी विल बी गिविंग देम यू नो द वेटेज इज वेल, बिकॉज इसकी वेटेज ऐसी ही होती है यूपीएससी में भी और जेके पी एस सी में भी. बारी उन्होंने ऐसा ही किया है. तो इट इज़ अ गुड ट्रेंड जिन्होंने जेके पी एस सी को थोड़ा यूपीएससी के पैटर्न पर डाला है. इससे थोड़ा बच्चे भी काफ़ी डेप्थ में अपनी प्रिपरेशन करेंगे. दिस वॉज इट फ्रॉम मी टुडे. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू.